बिग इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आपको मैं एक ऑडियो सुना रहा हूँ, वो ऑडियो को बहुत गौर से सुनना। एक्चुअली वो ऑडियो ये है कि मैं जब कॉलेजेस में लेक्चर लेता हूँ तो मैंने रिकॉर्ड कर ली थी वो ऑडियो, और वो ऑडियो मैं आपके सामने अब आपको सुना रहा हूँ। ये मेरा तरीका है इंग्लिश से इंग्लिश सिखाने का बच्चों को, ठीक है। तो आप इस ऑडियो को, एक 2 मिनट की ऑडियो है, मैं 2 मिनट के लिए आपको ये सुनाता हूँ। ये तो काफ़ी, ये 45 मिनट्स की या 1 घंटे की ऑडियो है, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ 2 मिनट का ऑडियो आपको सुनाता हूँ कि कैसा मेरा सिखाना होता है, मैं कैसे सिखाता हूँ। I think I have returned the assignment to you, right? Last time when you had trying to give me. So afterwards, after the lecture gets over, I will ask you to submit your assignments. I hope you have an assignment with you. All right. How many of you have the assignments right now? The ones who have right now can submit the assignment today. Then tomorrow, you can submit. Okay. Let us start with the lesson. Last time where we had stopped, anyone remembers? In my previous lesson, I explained about the scenario and the atmosphere that has been created during the time of the elections, right? I told you that many of the members of the party, the ones who support a particular minister, are all at work from morning to evening, or maybe up until night. Right, they go behind running the ministers, shouting slogans and campaigning. Campaigning means when you go from door to door and ask the people to vote for a particular candidate, that is called campaigning, right? And in the campaigning, they have a slogan as well. The slogans are very funny, Tai Mai Akka, Mara Chikka, and all that. They go on shouting all the time, right, throughout the day. And by the end of the day, they get what? Some amount of money, something, or maybe some food or something like that. Okay? So in this lesson, two particular characters, very important characters. One character's name is Marcus Aibe, who is a cultural minister in this lesson, even now. Okay? And he's a cultural minister. His only motto is to earn money from the people. He knew the importance of keeping a contact or a connection with the people. Which people? The people of Umofia, from where he comes. Okay? So, Umofia is a village. चलिए वापस अपने लेसन की तरफ आते हैं। हमारी पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि एक इस लेसन में एक क्रिमिनल होता है और उसे एक सज़ा दी जाती है, जिसे बाद में चेंज करके ता उम्र तक की सज़ा, यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी जाती है। और फाइनली फिर उसके खर्चे इतने बढ़ जाते हैं कि किंग को उसे वहाँ से भगाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें मैंने ये बहुत ही ब्रीफली मैंने बताया है। अगर कोई नए सब्सक्राइबर हो जो डायरेक्टली वीडियो नंबर 4 देख रहे हैं, तो मेरा सजेशन होगा कि आप YouTube पर पड़ी हुई पार्ट 1, 2 और 3 वीडियो देख लें, तो इससे आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड पता चल जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आई डे से द प्रिंस वुड नॉट माइंड, रिप्लाइड द मैन, बट आई हैव नो वेयर टू गो। अब देखो, एक मिनिस्टर है जो, जिसका मिनिस्टर ऑफ जस्टिस, वो क्रिमिनल के पास जाकर कहता है कि आप भाग जाओ यहाँ से। तो जो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस है, आयरनी देखो यहाँ पर कैसे है कि जो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस यानी लॉ मिनिस्टर खुद कह रहा है कि भाग जाओ इधर से, और प्रिंस को ज़रा भी एतराज़ नहीं होगा तुम्हारे भागने पर। अब जो जवाब क्रिमिनल देता है वो काफ़ी कॉमिकल होता है। एक्चुअली वो उसे कहता है कि आई डेयर से द प्रिंस वुड नॉट माइंड, रिप्लाइड द मैन, मुझे पता है कि जो प्रिंस है वो, उसे एतराज़ नहीं होगा मेरे भागने पर, लेकिन मैं भागूँ तो कहाँ भागूँ, बट आई हैव नो वे टू गो, मैं अगर भाग कर बाहर निकलूँ तो भी मैं कहाँ जाऊँगा, वॉट कैन आई डू, और बाहर जाकर मैं क्या करूँगा, वॉट कैन आई डू, मैं क्या करूँ, मैं कैसे यहाँ से भागूँगा, और मैं यहाँ से भाग कर जाऊँगा कहाँ और क्या करूँगा। यू हैव रूइंड माई कैरेक्टर बाई योर सेंटेंस, बाई योर सेंटेंस का मतलब जो सज़ा तुमने सुनाई है
उससे तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेरा कैरेक्टर ख़राब कर दिया। जब मैं बाहर जाता हूँ तो लोग मुझे मैं अगर बाहर जाऊँगा तो भी तो लोग मुझे एक क्रिमिनल की नज़र से देखेंगे और मुझे एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। मेरी पूरी कैरेक्टर ख़राब कर दी तुम लोगों ने। एंड पीपल विल टर्न देयर बैक्स ऑन मी, यानी पीठ दिखाकर मुंह फेर लेंगे। तो तुम लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मैं बाहर जाऊँगा तो कोई मुझे काम नहीं देगा, तो मैं कैसे अपना ज़िंदगी बसर करूँगा। बिसाइड्स आई हैव गॉट आउट ऑफ द वे ऑफ वर्किंग। अब मुझे गॉट आउट ऑफ द वे ऑफ वर्किंग एक फ्रेजल वर्ब है, उसका मतलब होता है कि अब मुझे काम करने की वैसी आदत नहीं रही। पहले जैसे मैं काम करता था अब मैं वैसा काम नहीं कर सकता, अब मुझे आदत नहीं है। अगर मैं काम करने जाऊँगा तो मैं तो शायद मुझसे काम ना हो पाए। बिसाइड्स आई हैव गॉट आउट ऑफ द वे ऑफ वर्किंग, यू हैव ट्रीटेड मी बैडली। देखो यहाँ पर ना एक कैसा ह्यूमर है, एक ऐसी हंसी की बात है, क्योंकि वो क्रिमिनल होकर वो खुद उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसा एक हिंदी में मुहावरा होता है ना, कि अब वो खुद क्रिमिनल होकर वो मिनिस्टर ऑफ लॉ को कह रहा है कि तुम लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ये सेंटेंस वगैरह दे के ऐसा वैसा। यू हैव ट्रीटेड मी बैडली, इट इज़ नॉट फेयर। जो तुमने मेरे साथ किया है, जैसा सलूक तुमने किया है, वो अच्छा नहीं था। इन द फर्स्ट प्लेस व्हेन वंस यू सेंटेंस्ड मी टू डेथ, यू ऑट टू हैव एग्जीक्यूटेड मी बट यू डिड नॉट डू इट। वो कह रहा है कि जब पहली बार तुम लोगों ने मुझे, आप सब लोगों ने मुझे जब फांसी की सजा सुनाई, आप सब लोगों ने जब मुझे पहली सज़ा सुनाई थी, उसी वक्त मेरा सर धड़ से अलग कर देना चाहिए था, लेकिन तुम लोगों ने नहीं किया। तुम लोगों ने इसे एक मजाक के तौर पर ले लिया मुझे। डैट इज़ वन थिंग, आई डिड नॉट कंप्लेन अबाउट डैट। मैंने तो कुछ कहा नहीं, मैंने कंप्लेन भी नहीं किया। देन यू सेंटेंस मी टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड पुट अ गार्ड टू ब्रिंग मी माई फूड, बट आफ्टर अ टाइम यू टुक हिम अवे अगेन एंड आई हैड टू फेच माई ओन फूड। दूसरी बार तुम लोगों ने मेरी सज़ा को बदल दिया और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, हमेशा हमेशा के लिए काल कोठरी में इस तरह की सज़ा मुझे सुनाई, और फिर मुझ पर एक गार्ड की निगरानी रखी जो मुझे खाना वगैरह ला कर देता था, और बाद में तुम लोगों ने उसे भी हटा दिया। फिर मुझे खुद जाकर शाही किचन से खाना लाना पड़ता था। अगेन आई डिड नॉट कम्प्लेन, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कम्प्लेन नहीं किया। बट नाव यू एक्चुअली वॉन्ट मी टू गो अवे, अब तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। आई कॉन्ट अग्री टू डैट, यू मे डू हैज यू लाइक बट आई वॉन्ट गो अवे। वो कहता है जो तुम्हें करना है करो, लेकिन मैं यहाँ से भागूंगा नहीं। वो क्या बता रहा है, वो अपनी मजबूरी बता रहा है, वो अपना दुखड़ा सुना रहा है मिनिस्टर को। वो कह रहा है कि तुम लोगों ने सबसे पहले तो मेरी सज़ा सुनाई मुझे फांसी की, यानी कि वो जो सर धड़ से अलग करते हैं उसको, और उसके बाद में तुम लोगों ने वो सज़ा चेंज कर दी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दी, फिर मुझे कोठरी में डाल दिया, वहाँ पर एक गार्ड को रखा, फिर वो जो गार्ड था वो मुझे खाना ला कर देता था। अब फिर तुम लोगों ने उस गार्ड को भी हटा दिया, फिर मुझे जाकर किचन से खाना लाना पड़ता था। फिर ये सारी चीज़ें तुम लोगों ने की, उससे मुझे कितनी तकलीफ हुई तुम्हारी वजह से, और ये जितना भी जो कुछ भी हुआ मेरे साथ में, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इन शॉर्ट वो ये कहना चाहता है कि तुम लोगों ने ना इस चीज़ को खेल बना कर रख दिया है, ठीक है। वॉट वॉज टू बी डन, वंस मोर द काउंसिल वॉज समंड। अब वो मिनिस्टर वापस अपने सारे मिनिस्टर्स के पास आया और उसने बताया कि ये सब ऐसा हुआ है। वॉट वॉज टू बी डन, अब उनके सामने और फिर से एक बार एक क्वेश्चन आ गया कि अब क्या करना चाहिए, कैसे हम इससे छुटकारा पाए, क्योंकि अपना किंग को इससे छुटकारा चाहिए था, इस क्रिमिनल से। वो चाहता था कि ये जो क्रिमिनल है यहाँ से भाग जाए, क्योंकि उस क्रिमिनल के जैसे बहुत खर्चे हो रहे थे। 600 फ्रैंक्स हर साल उसे देना होता था, ठीक है। तो अब देखो कैसे भी करके ना किंग को और जितने भी मिनिस्टर्स थे उसे इस क्रिमिनल से छुटकारा चाहिए था। तो वो अलग अलग हथकंडे अपना रहे थे, अलग अलग तरीके अपना रहे थे उससे छुटकारा पाने के लिए। तो वॉट वॉज टू बी डन, वंस मोर द काउंसिल वॉज समंड। समंड का मतलब फिर से एक बार मीटिंग को बुलाई गई। वॉट कोर्स कुड दे अडॉप्ट, अब क्या कर सकते हैं हम लोग। द मैन वुड नॉट गो, दे रिफ्लेक्टेड एंड कंसिडर्ड। द मैन कौन है ये मैन, ये क्रिमिनल। द मैन वुड नॉट गो, यानी कि वो वहाँ से जाने को राजी ही नहीं था।
ठीक है, दे रिफ्लेक्टेड एंड कंसीडर्ड, उन लोगों ने सोचा और इसके ऊपर फिर से एक बार गौर किया कि अब क्या कर सकते हैं हम लोग इसके ऊपर। द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ हिम वॉज टू ऑफर हिम अ पेंशन। अब उसमें से एक मिनिस्टर ने कहा कि हम इससे छुटकारा पा सकते हैं अगर हम इसे पेंशन दे तो। आज तक आप लोगों ने कभी ऐसा सुना है कि किसी क्रिमिनल को जब क्रिमिनल की सज़ा पूरी होने के बाद पेंशन मिली, यहाँ तो उसकी सज़ा भी पूरी नहीं हो रही है और इससे उसे यहाँ से भगाने के लिए पेंशन दी जा रही है ताकि एटलीस्ट वो क्रिमिनल पेंशन लेने के बाद वो वहाँ से जाने के लिए राज़ी हो जाए, ठीक है। एंड सो दे रिपोर्टेड टू द प्रिंस। तो ये सारे के सारे देखो मिनिस्टर्स कैसे थे, ये पहले आपस में डिस्कस करते थे, फिर वो डिस्कशन को लेकर किंग के पास जाते थे कि अपना प्रस्ताव रखते थे। अगर किंग को ये बात हजम होती है, यानी किंग को ये बात अच्छी लगती है, तो वो इस चीज़ के ऊपर राज़ी होता था, उनके डिसीजन पे राज़ी होता था, फिर वो एक ऑर्डर बन जाता था, ठीक है। सो ये फिर से एक बार प्रिंस के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम एक काम कर सकते हैं, हम ये क्रिमिनल को पेंशन दे देंगे। देयर इज़ नथिंग एल्स फॉर इट सेड दे, वी मस्ट गेट रिड ऑफ हिम समहाउ। द सम फिक्स्ड वाज 600 फ्रैंक्स एंड दिस वाज अनाउंस्ड टू द प्रिजनर। मुझे लगता है ये जो किंग है ना, ये इडियट है, ये स्टूपिड किंग है, क्योंकि ये सबसे पहले अपने 600 रुपये जो 600 फ्रैंक है इसे बचाने के लिए वो फिर से 600 फ्रैंक दे रहा है पेंशन के तौर पर। वेल सेड ही, आई डोंट माइंड सो लॉन्ग हैज यू अंडरटेक टू पे इट रेगुलरली। अब इसे क्रिमिनल के कहा और इस बात को क्रिमिनल के सामने रखा गया, क्रिमिनल को पूछा गया अगर हम आपको पेंशन दे तो आप क्या यहाँ से जाओगे। तो क्रिमिनल को तो वही चीज़ चाहिए थी, राइट। क्रिमिनल के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, ये तो फ़ायदेमंद थी क्रिमिनल के लिए, तो उसने वो चीज़ को मान ली और उसने कहा कि अगर आप मुझे पेंशन देते रहेंगे तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ऑन डैट कंडीशन आई एम विलिंग टू गो, इस कंडीशन पे मैं यहाँ से जा रहा हूँ कि तुम लोग मुझे पेंशन दे रहे हो। सो द मैटर वॉज सेटल्ड, यानी इस मैटर मतलब ये जो मामला था इस मामले को सुलझाया गया। ही रिसीव्ड 1/3 ऑफ हिज एन्यूटी इन एडवांस एंड लेफ्ट द किंग्स डोमिनियंस। डोमिनियंस का मतलब होता है जो उसका जो इलाका होता है किंग का, किंगडम, ठीक है। तो वो एरिया डोमिनियंस का मतलब होता है जहाँ पर किंग, जिस एरिया में किंग राज्य करता है उसे डोमिनियंस कहते हैं। तो उसे एक तिहाई एन्यूटी यानी साल भर के एक तिहाई उसे पेंशन के तौर पर मिलती थी, ठीक है। इट वॉज वो भी एडवांस में, इट वॉज ओनली अ क्वार्टर ऑफ एन आवर बाय रेल। वो जहाँ गया यानी कि जो उसने जो उसका जो राज्य छोड़ा, क्योंकि ये बहुत छोटा सा एक किंगडम था, राइट, वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, तो एक छोटा सा गांव के तौर पर एक किंगडम था ये। तो ये ज़्यादा दूर नहीं गया, किंगडम से ज़्यादा दूर नहीं गया, सिर्फ आधे घंटे के एक रेलवे से अगर जाओगे किंगडम से बाहर तो सिर्फ आधा घंटा लगेगा वापस आने के लिए। एंड ही इमिग्रेटेड, इमिग्रेटेड का मतलब अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह में जाने के लिए उसे कहते हैं इमिग्रेटेड। एंड सेटल्ड जस्ट अक्रॉस द फ्रंटायर वेयर ही बॉट अ बिट ऑफ लैंड। अब देखो ये जो क्रिमिनल है, सबसे पहले ऐसा मैंने कभी नहीं देखा और मैंने कभी सुना भी कि कोई क्रिमिनल हो जिसे इतने सारे फैसिलिटीज़, पेंशन वगैरह और सारी चीज़ें। ज़्यादातर जो क्रिमिनल होते हैं वो हमेशा अपने अंजाम तक पहुँचते हैं, यानी कि अगर जो सज़ा उनको सुनाई जाती है वो सज़ा उनको मिलती है और ज़रूर मिलती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो ये किंगडम है ये काफ़ी गरीब होने की वजह से उनको ये सज़ा जो उन्होंने सुनाई थी, उसे ठीक तौर पर अमल में नहीं ला पाए लोग। एंड ही इमिग्रेटेड एंड सेटल्ड जस्ट अक्रॉस द फ्रंटायर, यानी कि बॉर्डर के उस पार, क्योंकि ये इटली और फ्रांस के दोनों के बीच में ये किंगडम था, राइट। तो ये क्या करता है कि ये मोना के किंगडम से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर वो जाकर रहता है। वहाँ पर वो एक छोटा सा ज़मीन वगैरह खरीदता है, स्टार्टेड मार्केट गार्डनिंग, यानी सब्जियां वगैरह उगाना वगैरह, ठीक है, और उन सब्जियों को वापस से मोनाको में लाकर बेचना। एंड नाउ लिव्स कम्फर्टेबली, ही ऑलवेज गोज एट द प्रॉपर टाइम टू ड्रॉ हिज पेंशन। जैसे कि कोई इंसान गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब रिटायर होता है तो वो हमेशा हर महीने के आखिर में बैंक में जाकर अपनी पेंशन लेते हैं,
और इंडिया में जो है वो हमेशा SBI बैंक में आप लोग देखोगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं वो हमेशा पेंशन लेने के लिए बैंक में जाते हैं, राइट। तो इस तरह से जो ये क्रिमिनल है, ऐसे जैसे कि कोई किसी ने सर्विस दी हो, ये उस तरह से मोनाको किंगडम में जाता है और वहाँ से पेंशन हासिल करता है। ही ऑलवेज गोज एट अ प्रॉपर टाइम टू ड्रॉ हिज पेंशन, हैविंग रिसीव्ड इट ही गोज टू द गेमिंग टेबल्स, स्टेक्स 2 or 3 francs। पेंशन मिलने के बाद वो क्या करता है, पेंशन मिलने के बाद में उसी मोनाको किंगडम में जाकर वही गेमिंग हाउस में जाकर जुआ खेलता है, ठीक है, 2 or 3 francs लगाकर जुआ खेलता है। और वो हारे या जीते उससे कोई उसका उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समटाइम्स विन्स एंड समटाइम्स लूजेस एंड देन रिटर्न्स होम, ही लिव्स पीसफुली एंड वेल। देखो ये ऐसा रह रहा है जैसे कि कोई आम इंसान जो रहता है ना, उस तरह से ये रह रहा है कि वो मोनाको किंगडम से दूर जाकर रह रहा है, वो भी आधे घंटे की दूरी पर। एक लैंड उसने खरीदी की, यानी एक ज़मीन उसने खरीदी की, वहाँ पर सब्जियाँ उगा रहा है और उन्हीं सब्जियों को लाकर वो बेचता भी है। फिर महीने के आखिर में जाकर वो पेंशन लेता है, पेंशन से थोड़ी बहुत अमाउंट की 2-3 francs वो जुआ खेलता है, कभी कभार जीतता है, कभी कभी हारता है, ठीक है, और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एंजॉय कर रहा है वो अपने लाइफ को। और फिर बहुत ही अमन पसंद और बहुत ही सुकून से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है। इट इज़ अ गुड थिंग दैट ही डिड नॉट कमिट हिज क्राइम इन अ कंट्री वेयर दे डू नॉट ग्रज एक्सपेंस टू कट अ मैंस हेड ऑफ। यहाँ पर लास्ट लाइन ऐसी है जो वो बोल रहा है कि ये इस क्रिमिनल के लिए बहुत अच्छी बात है कि उसने ये जो क्राइम किया है, इसने जो ये जुर्म किया है, वो सिर्फ मोनाको किंगडम में किया। अगर वो जुर्म किसी ऐसी कंट्री में करता जहाँ पर मुजरिम के जो खर्चे उठाने कोई बड़ी बात नहीं, तो वहाँ पर डेफिनेटली उसकी हालत होती थी, डेफिनेटली उसका सर धड़ से अलग होता था। लेकिन क्योंकि उसने जो ये जो काम मोनाको किंगडम में किया है, तो इसीलिए वो बच गया। अदरवाइज़ अगर वो किसी और कंट्री में होता तो उसका सर धड़ कब से अलग हो जाता था। वेयर दे डू नॉट ग्रज एक्सपेंस टू कट अ मैंस हेड ऑफ और टू कीप हिम इन अ प्रिजन फॉर अ लाइफ। ये सारी जो प्रॉब्लम हुई है क्रिमिनल जो, और जो क्रिमिनल का ये जो क्रिमिनल इतना एंजॉय कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये किंगडम बहुत छोटा है और ये खर्चे ना उठाने की वजह से वो क्रिमिनल आज़ाद घूम रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गई होगी ये लेसन। और यही लेसन का जो आखिरी पार्ट था, पार्ट नंबर 4 2 डियर का, ठीक है। आई होप मैं हमेशा कहता आया हूँ कि देखो मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मुझे उस तरह से रिस्पांस दें ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले। मैंने पिछली वीडियोस में भी मैंने बहुत बार आप लोग को कहा है कि आप लोग अगर सब्सक्राइब और शेयर करोगे तो उससे ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी। आगे और बहुत सारे वीडियोज़ मैं लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच।